गाइस हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वीडियो के टाइटल से आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, मैं आप लोग के पास लेके आ गई हूँ और एक हॉरर स्टोरी वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस हॉरर वीडियो की। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट ऑन दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने और वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, देन प्लीज़ नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है मेरे और मोहित के कॉमन फ्रेंड की, जो कि हम लोग के साथ कॉलेज में पढ़ता था। तो दिसंबर के महीने की बात है, एक दिन अचानक से ना मुझे और मोहित को एक कॉल आता है, जो कि उसी फ्रेंड का कॉल होता है, और उसने हम लोग को बोला कि व्हाट्सएप में मैंने कुछ ऑडियो क्लिप तुम लोग को भेजा है और उसे जल्दी सुनो और मुझे फ़ोन करो। तो जैसे ही हम लोग ऑडियो क्लिप को डाउनलोड किए और सुने, हम लोग को ना बहुत ज़्यादा कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और बहुत ही फेंट साउंड आ रहा था एक लड़की की, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। बट वो साउंड बहुत फेंट था, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया उस ऑडियो क्लिप से, और हम लोग उसको फिर तुरंत फ़ोन किए। जब हम लोग की बात हुई उससे, उसने अपनी कहानी बताना स्टार्ट किया। तो पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि हम लोग का ये जो फ्रेंड है वो भुवनेश्वर में रहता है, और भुवनेश्वर का जो ओल्ड सिटी पार्ट है ना, उस एरिया का ये कहानी है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकती, बट अगर आप जानना चाहते हैं ना, देन आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मैं तब आप लोग को बता दूंगी कि एग्जैक्टली वो कौन से एरिया में हो रहा है, और वो सिलसिला आज तक जारी है। तो अब आते हैं कहानी में। तो फ़ोन करने के बाद हमारे दोस्त ने हम लोग को बोला कि एक दिन वो अपने बेडरूम में लेटा हुआ था और उसको ना अचानक से कुत्तों के भौंकने का आवाज़ आता है, और एक अजीब सी, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी साउंड आने लगता है, जो कि मतलब जैसे कोई लड़की चिल्ला रही है, उस तरीके का एक आवाज़ उसको सुनाई देता है। और पहले वो सोचता है कि शायद बहादुर लोग आते हैं ना रात को सीटी मारने के लिए, सबको आगाह करने के लिए, तो उसको लगता है कि ये बहादुर जो है सीटी मार रहा है, और शायद से ना उसकी सीटी की ही आवाज़ है ये, और वो ज़्यादा नहीं सोचता और वो ऐसे ही लेटे रहता है। बट ये जो आवाज़ है वो बंद नहीं होता है, क्योंकि जनरली बहादुर अगर सीटी मार रहा होता है ना, वो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स ही उसका आवाज़ आती है। बट ये आवाज़ कंटिन्यूसली 1 to 1.5 hour तक ये आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था, और उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है एंड वो सो जाता है। फिर अगली सुबह होती है और वो और उसकी मम्मी डिस्कस करने लगते हैं कि आपको कुछ आवाज़ सुनाई दिया था क्या कल रात में। तो उनकी मम्मी भी जो हैं वो भी बोलते हैं कि उनको भी ये आवाज़ सुनाई दिया था, और वो लोग फिर ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और मतलब उनको लगता है कि शायद किसी दूर से ऐसे कुछ आवाज़ आ रही होगी, और फिर वो अपना डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन की रात हो जाती है, और उस दिन रात को भी एग्जैक्टली सेम टाइम में, अराउंड 12:30 सेम टाइम में, वो आवाज़ फिर से आने लगती है और ऐसे ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। और इस दिन भी ना पूरा 1.5 hours तक ये आवाज़ आने लगी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे नेबरहुड में ये डिस्कशन होने लगी कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो वो लोग फिर मार्क करते हैं कि पास में ना एक कैनल है और एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक खाली एरिया है, और उसी जगह से ये आवाज़ रोज़ रात को आ रही है। और फिर पता चलता है कि कुछ दिन पहले, यानी कि दिसंबर से पहले, नवंबर एंड के अराउंड, एक लड़की ने उसी एरिया में सुसाइड कर लिया था, और सब लोग यही सस्पेक्ट कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं यही लड़की की जो आत्मा है, यही रोज़ रात को चिल्लाती है, क्योंकि शायद उसकी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ हुई होगी, और शायद उसकी ही आत्मा है जो भटक रही है उस एरिया में। तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली इससे कैसे छुटकारा मिल पाए। और तो रोज़ रात को वो लोग काइंड ऑफ एक्वेंटेड हो गए थे ये आवाज़ से, क्योंकि रोज़ रात को ये आवाज़ आने लगी थी, और रात को 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला करता है आज तक।
और रात होते ही सब लोग अपना खिड़की दरवाजा सब बंद कर लेते हैं। बट एक दिन ऐसा आया कि जो कैनाल का मैं बात कर रही थी ना, उसी कैनाल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और यही कंस्ट्रक्शन के चलते एक पूजा रखवाई गई। और ये पूजा जिस दिन संपन्न हुआ उस दिन रात को कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो सब लोग को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि शायद पता नहीं पूजा के कारण वो आत्मा ने वो एरिया को छोड़ दिया है और शायद अभी उन लोग को ये आवाज़ आना बंद हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दो दिन तक ये आवाज़ का आना बंद रहता है, बट तीसरे दिन से फिर से ये आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। और अब ये आवाज़ आने की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब पहले जो आवाज़ आती थी ना उससे भी कहीं ज़्यादा। तो सब लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि वो लोग क्या करें, और आज तक इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। एंड रोज़ रात को अब आज भी उस एरिया में उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो मेरे फ्रेंड ने जो ऑडियो क्लिप भेजा था ना, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही फेंट आवाज़ आ रही थी और बहुत ही कम पता चल रहा था वो चीखने की आवाज़। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज़ सेंड मी अनदर क्लिप जिसमें ये आवाज़ थोड़ी अच्छे से सुनाई दे रहा हो। तो उस बेचारे ने हिम्मत करके अपने खिड़की के पास जाके पूरा ये आवाज़ रिकॉर्ड करने का ट्राई की, भले ही थोड़ी देर के लिए ना सही, बट उसने हिम्मत जुटा के ये आवाज़ रिकॉर्ड करने का ट्राई किया। तो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ ये ऑडियो क्लिप। इसे आप लोग ईयरफोन लगा के सुनिएगा, मेरा तो आज तक गूज़बम्प्स निकलता है ये जब भी मैं ये क्लिप सुनती हूँ। रियली बहुत डरावनी क्लिप है। और आप लोग भी अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आप लोग को ये क्लिप सुन के कैसा लगा, और आप लोग क्या सोचते हैं कि ये सच में कोई आत्मा का आवाज़ है या फिर किसी और चीज़ का है। तो प्लीज़ ये क्लिप को सुनिए आगे। तो कैसा लगा ये ऑडियो क्लिप सुन के आप लोग को, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो आज तक गूज़बम्प्स आते हैं ये क्लिप सुनने के बाद। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज की ये हॉरर स्टोरी छोटी सी। आई होप कि ये जो सिलसिला है ना, ये जल्द से जल्द बंद हो जाए और उस एरिया के जो भी लोकल्स हैं उनको ना चैन की नींद आ सके, क्योंकि सब लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं उस एरिया में। तो गाइज़, अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और मैं फिर आप लोग की हॉरर स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।